नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन और खबर बाराबंकी से है। जनपद अंतर्गत तहसील रामसनेही घाट के उप जिलाधिकारी दिव्यांशु पटेल, तहसीलदार तपन मिश्रा के निर्देश पर ग्राम पूरे दुनिया सिंह मजरे हकामी में पूर्व में लगे खंडजे में रामदेव पुत्र स्वरूप अपनी नंबरी जमीन बताकर आए दिन पूरे दुनिया सिंह मजरे हकामी निवासी अंकित सिंह तथा उनके परिजनों को आए दिन किसी न किसी फर्जी मामले को लेकर शिकायत करते थे, जबकि मौके की पैमाइश प्रशासन के निर्देश पर लेखपाल पुलिस की मौजूदगी में की गई, जिसके मौके पर गाटा संख्या 104 व 0.025 है, जो अभिलेखा अनुसार चकमार्ग अंकित है। उक्त की पैमाइश है समय पुलिस बल, ग्राम प्रधान तथा अन्य ग्रामीण मौजूद थे। यह प्रकरण कई दिनों से चल रहा था, जब यह प्रकरण उपजिलाधिकारी रामसनेही घाट दिव्यांशु पटेल के समक्ष पहुंचा तो उन्होंने राजस्व विभाग के हल्का लेखपाल से पैमाइश करने की बात कही, जिसमें हल्का लेखपाल व कानूनगो व पुलिस टीम के साथ पैमाइश की गई। सीमांकन करते हुए रामदेव पुत्र स्वरूप को कहा गया कि आप ग्राम समाज की भूमि पर अवैध तरीके से काबिज हैं, जो कि नियम विरुद्ध है। अगर ग्राम समाज की जमीन से अवैध कब्जा नहीं हटाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जबकि अंकित सिंह ने बताया कि उनके परिजनों को आए दिन दलितों द्वारा फर्जी मुकदमे के फंसाने की धमकी दी जाती थी। प्राइम न्यूज 24 के लिए मध्याचल ब्यूरो राम प्रसाद शुक्ला के साथ विकास तिवारी की रिपोर्ट। रामदेव रह वाले हैं, ये रास्ता के लिए कई बार रोकट रहे, तो हम SDM साहब के दरखास्त देना, SDM साहब आदेश की है, आदेश की एक बार लेखपाल और पुलिस फोर्स के साथ रास्ता नपा, रास्ता हमारे जगमों में बंजर में निकलता है, खेत में दूसरे के और ग्राम सभा जमीन में रहा और ग्राम सभा जमीन में अवैध निर्माण भी किए, उनका अवैध अतिक्रमण किए हैं, गलहरा भी अतिक्रमण किए। कौन अतिक्रमण किए? रामदेव।